बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान शहबाज है और मैं HSEU कंसल्टेंट एंड ट्रेनर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है, टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे होंगे, वो इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग है। आई विल ट्राई माय बेस्ट के जी मैं कुछ मिनटों के अंदर जो है वो आपको ब्रीफली इस पे जो है वो गाइड कर सकूं कि ये है क्या, और इसी तरह जब NEWASH क्वालिफिकेशंस के अंदर भी इसके क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो आप किस तरह से आंसर कर सकते हैं। अब टिपिकली जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो एक्सीडेंट की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सीडेंट वुड बी एनी अनप्लान्ड अनडिजायरेबल इवेंट दैट मे हैव रिजल्टेड इन इंजरी लॉस प्रॉपर्टी डैमेज एट्सेट्रा, और इंसीडेंट वुड बी डिस्क्राइब एज एन इवेंट अनप्लान्ड और अनडिजायरेबल इवेंट दैट कुड हैव रिजल्टेड बट डिड नॉट, हो सकता था नहीं हुआ। दिस इज व्हाट द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ। अब जब हम बात करते हैं डेंजरस ऑक्यूरेंस की, तो डेंजरस ऑक्यूरेंस भी एक डेफिनेशन है, टाइप्स है जो रिपोर्टेबल इंसिडेंट यूके के अंदर है उसकी कैटेगरी में आती है। फ़र्क सिर्फ क्या है आपके नियरनेस और डेंजरस ऑक्यूरेंस के अंदर, फ़र्क सिर्फ ये है कि डेंजरस ऑक्यूरेंस को उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है अंडर यूके लॉ, रिपोर्टिंग ऑफ सर्टन डिजीजेज, रिपोर्टिंग ऑफ फटल, रिपोर्टिंग ऑफ मेजर इंजरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। This is what the main difference. However, it is also type of nearness. But फर्क सिर्फ इसमें यह है कि जी severity अगर होता ये इसमें loss होता तो severity बहुत ज़्यादा होती। This is why it is reportable under the law and that is considered as dangerous occurrence. अब जब हम बात करते हैं incident, accident, investigation and reporting की, तो इसकी requirements क्या है, इसके benefits क्या हैं, क्यों करनी चाहिए, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि legal requirement है अंडर ILO कन्वेंशन, आपके रिपोर्टिंग कन्वेंशन जो है, इसी तरह आपके UK लॉ के मुताबिक UK की बाकायदा रेगुलेशन भी है रिडोर के नाम से इसके ऊपर, और अंडर अगर फैक्ट्रीज एक्ट 1934 जाते हैं तो उसमें भी किसी हद तक जो है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरेज दिया गया है। तो आप रिपोर्टिंग अंडर लीगल रिक्वायरमेंट्स आपने करनी है, रिकॉर्डिंग अंडर लीगल रिक्वायरमेंट आपने करनी है, इसी तरह जो है इन्वेस्टिगेशन अंडर लीगल रिक्वायरमेंट करनी है। फर्दर मोर अगर हम बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग, अगर हम रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है, रिपोर्टिंग करेंगे तो मेरे भाई आप जो है वो फर्स्ट एड इनिशिएट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग करेंगे तो मेडिकल सर्विसेज जो है वो मुहैया कर सकते हैं एमरजेंसी के अंदर या इनसे इंजर्ड इंडिविजुअल्स को या लॉसेस की सूरत में। रिपोर्टिंग कर रहे होंगे किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की तो उस केस के अंदर जो है वो आप फर्दर इन्वेस्टिगेट इनिशिएट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड कीपिंग होगी, रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्टिंग करेंगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे तो फर्दर आगे जो जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन की तरफ और रूट कॉजेस की तरफ जाएंगे। अब जब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो क्यों इन्वेस्टिगेट किए जाने चाहिए इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स और किसी भी इवेंट को क्यों किया जाना चाहिए इन्वेस्टिगेट, तो सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट है अंडर द लॉ, ये एक रिक्वायरमेंट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट सिस्टम चाहे वो उसैज है, इसी तरह अगर EMS में चले जाएंगे तो उसमें भी है, और अगर ISO 45001 जो आ रहा है स्टैंडर्ड नया उसकी भी बात करेंगे तो उसमें भी ये रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली। और इसी तरह जब हम बात करते हैं तो इंश्योरेंस पर्पजेज के लिए आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप उसके रिकॉर्ड्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, प्रीमियम्स के अगेंस्ट डॉक्यूमेंटेशन सबमिट की जा सकती है, रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, फर्दर डिटरमाइन करने के लिए कि लॉस कितना हुआ है उसकी एस्टिमेशन करने के लिए आप जो है वो किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई करने के लिए कि लैप्सेस कहाँ पे थे, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसमें जिसकी वजह से आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग इज नेसेसरी। जब हम बात करते हैं कि आपने करना क्या होता है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के केस के अंदर, सबसे पहले तो उसके केस के अंदर आपने ये करना होता है कि आप मेक श्योर करते हैं कि सबसे पहले तो ऑन सिनेरियो जो है वो जाके अगर आप देख रहे हैं कि सीन आपके लिए सेफ है, आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं होने वाला, तो इन दैट केस आप जाके वहाँ पे जो है वो मेक श्योर करें कि सीन सिक्योर है, देन आप फर्स्ट एड या अगर आप ट्रेन फर्स्ट एड है तो फर्स्ट एड देंगे, अदरवाइज इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देंगे। इन केस अगर आप देखते हैं वहाँ पे हैजर्ड कोई अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक केबल पहले से मौजूद है जिसके साथ बंदे का कांटेक्ट था और बंदा जख्मी हो गया या हादसा हो गया, तो उस केस के अंदर आप उसे आइसोलेट कर सकते हैं, पहले आइसोलेट करवाने के बाद जब आपके लिए महफूज